नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। शनिवार का दिन भी बीजेपी के लिए काफी अहम रहा। एक दिन पहले चंपई सोरेन आए थे, कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, तो दूसरे दिन लॉबिन हेमरम की बीजेपी में एंट्री हुई। इस मौके पर भी चंपई सोरेन से लेकर तमाम नेता मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा मौजूद हैं। करिश्मा, देखिए, ज्वाइन कराया गया लॉबिन हेमरम को, एक दिन पहले ही लॉबिन हेमरम को ज्वाइन कराने की बात थी और लॉबिन हेमरम ने यह कहा भी था कि चंपई सोरेन के साथ वो भी बीजेपी में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि चंपई सोरेन ने ही ये शर्त रखी होगी कि वो अकेले ज्वाइन करना चाहते हैं। और अब देखिए कि आज चंपई सोरेन खुद मौजूद थे जब वो लॉबिन हेमरम को बीजेपी में ज्वाइन करा रहे थे, तो क्या कुछ मायने हैं इसके और किस तरह से माहौल दिखा उस वक्त? तो एक बार फिर से हम बीजेपी की तरफ से आज लॉबिन हेमरम को बीजेपी ज्वाइन कराया गया और इस मौके पर चंपई सोरेन भी मौजूद दिखे, लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे थे कि आखिर चंपई सोरेन के साथ ही लॉबिन हेमरम को क्यों नहीं ज्वाइन कराया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है, सीधे जुड़ेंगे उनसे। करिश्मा, देखिए, बीजेपी पहले दिन चंपई सोरेन को, दूसरे दिन लॉबिन हेमरम को, और खुद चंपई सोरेन मौजूद रहते हैं लॉबिन हेमरम को ज्वाइन कराने को लेकर, तो इसके मायने क्या कुछ हैं? जी देखिए, कल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामते, हालांकि इसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि अगर पूर्व विधायक लॉबिन हेमरम भी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं तो एक ही दिन दोनों ही क्यों नहीं बीजेपी का दामन थामे थे। हालांकि कल आपने देखा होगा, कांग्रेस हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार हमलावर थे और उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि जो सीता सोरेन का हाल हुआ है, जो गीता कोड़ा का हाल हुआ है, बिल्कुल वही हाल चंपई सोरेन और लॉबिन हेमरम का होगा। देखिए, आज लॉबिन हेमरम जो बोरियो से पूर्व विधायक है और उन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो जिस तरीके से सरकार में थे, लेकिन सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा था, तो उनका कहना था कि पहले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का तेवर था, पहले जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करता था, अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रहा है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो आदिवासियों के खिलाफ जो है वो काम करता है। आपने सुना होगा आज कि जब आज लॉबिन हेमरम बीजेपी का दामन थाम रहे थे, तब उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ जल जंगल जमीन के साथ 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा जिस तरीके से उन्होंने उठाया था, बिल्कुल वो अभी भी वही मुद्दे पर अडिग है और आने वाले समय में यही मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। देखिए, कई सवाल उठ रहे थे क्योंकि इससे पहले यही कहा जा रहा था कि लॉबिन हेमरम शायद बीजेपी का दामन नहीं थाम सकते हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी तब उनका कहना था कि उनके पास दो विकल्प है, एक शायद वो दल का गठन करेंगे या फिर वो बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि देखिए, 26 अगस्त को उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि वो बीजेपी का दामन थामने वाले, लेकिन सभी के मन में यही सवाल था कि जिस दिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे, क्या उसी दिन लॉबिन हेमरम जो बोरियो से विधायक भी रह चुके हैं, क्या उसी दिन वो बीजेपी का दामन थामेंगे? हालांकि ये देखने को नहीं मिला। आज आपने देखा होगा कि बीजेपी कार्यालय में लॉबिन हेमरम पहुंचते हैं और कई उनके जो फॉलोअर्स है, कई उनके जो समर्थक है, वो भी बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं और उनका स्पष्ट रूप से था कि बांग्लादेशी घुसपैठी के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर वो फिर से अपनी बात को रखेंगे। हालांकि उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर वो लगातार अपनी बात को रखेंगे और कैसे आदिवासी बहनों को सुरक्षित रखना है इसको लेकर वो रणनीति बनाएंगे। जी अब बिल्कुल, देखिए करिश्मा, आज लॉबिन हेमरम हमेशा हरे कपड़ों में दिखाई देते थे और आज सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि वो सीधे भगवा कमीज में नजर आए, यानी भगवा रंग धारण कर लिया, तो ये बड़ा, और उन्होंने शायद बयान भी दिया इस बात को लेकर कि अब वो बड़ा रिलैक्स, टेंशन फ्री फील कर रहे हैं। जो देखिए, हरा हरियाली का प्रतीक है और अगर झारखंड की बात करेंगे तो जल जंगल जमीन से ये झारखंड जो है पूरे देश में विख्यात है और यही वजह है कि लगातार लॉबिन हेमरम या फिर वो ग्रीन कलर का गमछा पहनते थे या फिर ग्रीन कलर का वो कुर्ता पहनते थे और कहीं ना कहीं वो डिनोट करते थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन आज जब वो बीजेपी का दामन थामने वाले थे तब उन्होंने, आपने देखा होगा, भगवा रंग का उन्होंने जो कुर्ता है वो पहना था, तो ये कह सकते हैं कि अब पूरे तरीके से वो भगवा रंग में रंग चुके हैं और आने वाले समय में उन्होंने रणनीति भी बना ली है कि आखिर क्या कार्य करने हैं। देखिए, हमने उनसे सवाल पूछे थे कि जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तब उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कभी भी अपनी बात को नहीं रखा, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि जब वो बीजेपी का दामन थामे हैं तब उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा याद आ रहा है, तो उनका यही कहना था कि पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब
वो समझ चुके हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो आदिवासी बहनों की जमीन जो है वो लूट रहे हैं, उनके साथ शादी कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि अब संताल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल कर रहेगा, पूरे तरीके से उन्होंने कमर कस लिया है। देखिए, अगर हम संताल की बात करेंगे तो 18 सीटें जो है वहां पे आते हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार लोबिन हेम्ब्रम ने ये सोच लिया है, ये समझ भी लिया है कि कैसे आगे बढ़ना है। देखिए, आज जिस तरीके से वो भगवा रंग का जो टी शर्ट है, जो कुर्ता है वो पहनकर आए थे, तो इससे ये साबित होता है कि वो अपने आप को पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिए। लेकिन देखिए, इस बीच मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, काफी महत्वपूर्ण सवाल था, कि क्या अब वो शिबू सोरेन से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, क्योंकि शिबू सोरेन को वो आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। इससे पहले भी उनका यही कहना था उदय, कि लगातार वो शिबू सोरेन से मुलाकात करते हैं, शिबू सोरेन अब उतने अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, लेकिन वो लगातार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनकी परेशानी है वो शिबू सोरेन समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उनका कहना था कि वो मेरे आदर्श है, मैं बीजेपी ज्वाइन किया हूं, लेकिन फिर भी मैं शिबू सोरेन से लगातार मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। तो आज पूरे तेवर के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि जो मुद्दे, चाहे वो सरना आदिवासी धर्म कोड का मुद्दा हो, या फिर वो 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा हो, या फिर नियोजन नीति का मुद्दा हो, और जिस तरीके से वो जल जंगल जमीन की बात करते हैं कि झारखंड में जल जंगल जमीन जो है वो काफी प्रसिद्ध है, लेकिन अब ना तो जल बच रहा है ना ही जमीन बच रहा है। तो ऐसे में उनका यही कहना था कि अब वो पूरे तरीके से तैयार है, लोगों के बीच जाएंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से कार्य करेंगे और आदिवासियों को उनका हक और अधिकार दिलाने में क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी, धनबाद के कतरास बागमारा हरीना डुमरा इलाके में एकमात्र ISO सर्टिफाइड अवनीत हेल्थ केयर हॉस्पिटल, यहाँ आपको जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर आशीष कुमार के कुशल नेतृत्व में मिलेगी न्यूरोसर्जरी के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी समेत संपूर्ण तरह की सुविधा, साथ ही 10 किलोमीटर तक की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ उपलब्ध है। पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रॉपर राइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।